मेरे हिसाब से काफ़ी एक वियोग वाला प्रसंग एक है रामायण में ही, जब भगवान श्री राम को प्राण त्यागने होते हैं लेकिन हनुमान जी उनके साथ ही रहते हैं, वो उनको छोड़ते ही नहीं है ना। तो राम जी ऐसा, मतलब वो तो सबको पता है कि उनको भटकाते हैं हनुमान जी को, थोड़ा सा कुछ बहाना करते हैं है ना, किसी भी तरह से अलग जगह पे भेज देते हैं। तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ थोड़ा इसके बारे में कि उस टाइम पे क्या लिखा गया है और हनुमान जी ने कैसा फील किया होगा उसके, जब उनको पता तो चला होगा। जी देखिए, संसार है, भगवान राम ने भी आए हैं नर लीला की तो जाना है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक कछु स्थिर नहीं सपने जो संसार। हनुमान जी को कोई ये कहे कि तेरे राम तुझसे दूर होने वाले हैं, हनुमान जी कैसे इस बात को मान ले। सहन कर पाए। तो बार 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 उस समय राम जी जब नाटक कर रहे हैं, हनुमान जी को इधर भेज रहे हैं उधर भेज रहे हैं, लेकिन हनुमान जी जानते हैं इस समय स्वामी के पास रहना ही ठीक है। लेकिन कितना भी किया, उसके बाद जब हनुमान जी कुछ दूर चले गए और राम जी पूरी प्रजा को लेकर के जब चलने लगे, बहुरी कहो करुणा यतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। जब राम जी चलने लगे पूरी अयोध्या को लेकर गए वैकुंठ, लेकिन एक हनुमान जी नहीं आए। पहले दूर कर रहे थे और अब जाने के समय हनुमान जी दूर है तो बुला रहे हैं, और बुलाते बुलाते हनुमान जी को जैसे ही बुलाया तो हनुमान जी ने मना कर दिया, प्रभु मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बोले कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा बैकुंठ में जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ क्या होता है प्रभु? आपके नाम भी कथा होती है? राम जी ने कहा कथा नहीं होती, वहाँ तो हम ही होते हैं। बस हनुमान जी ने कहा प्रभु तो फिर वहाँ आपका आनंद मिलेगा, धरती पे रहूँगा तो कथा भी सुनूंगा और आपके नाम का भी आनंद होगा।